दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रभारी भर्ती परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये पहले आ चुका था, कम से कम 3-4 दिन पहले, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। भरने की प्रारंभिक तिथि है 27/7/2020 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 10/8/2020। आवेदन संशोधन करने की तिथि जो है, स्टार्टिंग तिथि वो 27 से ही है, और संशोधन करने की अंतिम तिथि 15/8/2020 तक है। ये थोड़ा चेक करने वाली बात है, अगर कोई भी भरने के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई इशू या बग मिस्टेक हो जाती है, तो उसको संशोधन करने की तिथि 5 दिन लास्ट तक है। और परीक्षा दिन और दिनांक जो है 3 से 10 नवंबर तक, 3 से 10 नवंबर 2020 तक इसकी परीक्षा हो जाएगी। आप देख लेते हैं इसकी फीस। अनारक्षित अभ्यर्थियों की, अनारक्षित लोगों के लिए ₹500 होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जनों के लिए ये ₹250 होगी, और ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है ये फीस। सीधी भर्ती विकलांग के लिए कोई कोई शुल्क नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, अगर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप कियोस्क के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो उसका जो चार्ज होगा ₹60 होगा, लेकिन आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हैं व्यापम में, तो आप लॉगिन कर सकते हैं और उसमें आपके केवल ₹20 लगेंगे। ऑनलाइन समय पद्धति देख लेते हैं। रिपोर्टिंग टाइम है, ये दो 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 पालियों में होगी। पहली पाली स्टार्ट होगी 7 बजे प्रातः है, और आठ बजे तक ये रिपोर्टिंग टाइम है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय होगा 8:50 से 9, यानी कि 10 मिनट का। उत्तर अंकित करने का समय, आंसर शीट फिल करने का टाइम होगा 9 बजे से 12 बजे, यानी कि आपको टोटल 3 घंटे मिलेंगे परीक्षा अटेम्प्ट करने का। इसी तरह सेकंड पारी में होगा दोपहर 12 बजे से 1 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है, और 1:50 से 2, यानी कि 10 मिनट के लिए आपको उसको पढ़ना है निर्देश। और 2 बजे से परीक्षा स्टार्ट होगी, 5 बजे तक आपको ख़त्म करना है, यानी कि 3 घंटे इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के मिलेंगे। आप देख लेते हैं क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लेके आना है। आपको आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य है, सॉरी आधार पंजीयन अनिवार्य है, और दूसरा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक को ला सकता है। आधार कार्ड में आप ध्यान रखिएगा, UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ये ई आधार मान्य होगा। ई आधार में बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप उसमें उसके ये देख लेना उसको कि ये उसके द्वारा वेरीफाई है कि नहीं UIDAI। और मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को सम्मिलित होने से वंचित है, मतलब कोई भी पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो नहीं है उसके, अगर वो नहीं लाएंगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। पुस्तिका में जो दिया गया है उनके अतिरिक्त एक आधार कार्ड या ई आधार कार्ड लाना की एक फोटो कापी लाना होगा, जिसमें आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड वोटर VID लाना अनिवार्य है, मतलब कि आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो। चौथा है परीक्षा में प्रवेश के समय, परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना जरूरी है। वहाँ पर जो बायोमेट्रिक होगा उसको आपने अगर गलती से स्किप कर दिया तो आपको हटा दिया जाएगा परीक्षा से। और पांचवा है परीक्षार्थियों को रिपोर्टिंग टाइम समय तक परीक्षा केंद्र में अनुमति होगी प्रवेश की, उसके अगर लेट आते हैं तो प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, इसलिए समय पर जाएं। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये वैसे सबको पता है, लेकिन
हर बार आप पढ़ते होंगे, तो ऐसे ही दो चीज और हैं बता देता हूँ जल्दी। ऑनलाइन आवेदन क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु तो अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। फिर आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल के रखे हैं, ठीक है। जब भी आप अप्लाई करेंगे इसके लिए, तो उसमें जो आपको प्रिंट आउट होगा जिसमें आपके आवेदन की डिटेल होगी, उसको जरूर रखें। उसके बेस पे ही आप अपना एडमिट कार्ड निकाल पाएंगे, और यह जिम्मेदारी अपनी है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पेन, ये ध्यान रखने वाली बात है, काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को आना अनिवार्य है। अब बात करते हैं पदों की और वेतनमान की। तो ये जो पद नाम है, ये कार्यपालक के लिए है। इसका वेतन होगा 5,200, वेतन ग्रेड है ये 5,200 से 20,200 प्लस 1,900 पे ग्रेड है। ये सैलरी बेसिक सैलरी है और ये ग्रेड है। और सातवां वेतनमान होगा 19,500 से 62,000। अब बात करते हैं अनारक्षित भर्तियों की, रिक्तियों की। अनारक्षित के लिए कुल रिक्त पद है 73, जिसमें 33 ओपन है, 14 महिलाओं के लिए। ओपन का मतलब है सभी के लिए, और 14 जो है बिना रिजर्व है महिलाओं के लिए। होमगार्ड के लिए 11 ओपन और महिलाओं के लिए 5, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7, महिलाओं के लिए 3। तो टोटल मिला के हैं 73, 73। तो कहने का मतलब ये है, जो नॉर्मल आरक्षित वर्ग से आवेदक होंगे, और जो कि महिलाएं नहीं होंगे लेकिन पुरुष होंगे, उनके लिए ओनली 33 हैं। हाँ, अगर आप होमगार्ड या सैनिक से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये 2, 11 और 7, 18 पद और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिनमें से अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, में से 8 ओपन, 3 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 36, 36 ओपन, 18 है, 7 महिलाओं के लिए है, 5 होमगार्ड के लिए है, 5 होमगार्ड महिलाओं के लिए है, 3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 1 महिला सैनिकों के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 45, में से 21 ओपन, 10 जो है महिलाओं के लिए है, होमगार्ड के लिए 6, होमगार्ड महिलाओं के लिए 2, भूतपूर्व के लिए 4 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 है। टोटल 45 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है टोटल 61 पद हैं, इसमें से 30 हैं आपके लिए ओपन और 12 महिलाओं के लिए हैं। 8 जो है होमगार्ड के लिए हैं, 3 होमगार्ड महिलाओं, 6 भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं, 2 महिलाओं के लिए हैं। और इसके बी पार्ट में, ये हमने बात की थी अभी ए पार्ट की, और आप करते हैं पार्ट बी की बात। तो पार्ट बी में जो भर्तियां हैं, उनमें से संविदा कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षित हैं, और इसमें जो है अनारक्षितों के लिए 21 पद, जिसमें से 15 हैं ओपन और 6 हैं महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 9 पद हैं टोटल, इसमें से 6 ओपन है और 3 महिलाओं के लिए हैं। जनजाति में 11 पद हैं, 8 ओपन है, 3 महिलाओं के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में 15 कुल पद हैं, जिसमें से 10 पुरुषों के लिए, मतलब पुरुषों के लिए इसलिए नहीं बोल रहे, उसमें सभी आते हैं ओपन है, और 5 जो है केवल महिलाओं के लिए है। अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक की अर्हता। इसके लिए आवेदक को 2+10+2 यानी कि 12th पास प्रणाली, 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा पास होनी चाहिए, यानी कि 10वीं अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी प्रिंट होना चाहिए। शारीरिक मानदंड क्या है? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना जो है 83 से बना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं नीचे,
आवेदक की आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए, उसे किसी सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, अभ्यर्थी नौकनी फ्लैट फुट, इसको बोलते हैं घुटने, खड़े होने में घुटने टकराना, नहीं होना चाहिए, और कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य मेडिकल में फिट आना आवश्यक है। न्यूनतम शारीरिक अर्हता पूर्ण करने के उपरांत ही आवेदक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। आपको ये ये जो फिजिकल में आप बिल्कुल फिट होना चाहिए, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, और ये जो है शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, ये विकलांगों के लिए नहीं है, ये इसमें क्लियर बता दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम आयु सीमा की, कि आयु किसके लिए कितनी है। यहाँ पर सामान्य जाति के और सामान्य आरक्षित के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु 33 वर्ष है। महिलाओं के लिए न्यूनतम है 18 वर्ष और अधिकतम है 33+5, 5 साल की छूट है तो 38 वर्ष। अभी महिला आवेदक में अनारक्षित वर्ष और पुरुष बाकी सबके लिए, जैसे पुरुष महिला आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा सभी के लिए, शासकीय निगम मंडल स्वदेशी संस्थापक कर्मचारी तथा नगर सैनिक के लिए, सभी के लिए 38 है। आप ये समझ लीजिए कि सामान्य जाति से जो अनारक्षित वर्ग है उसमें पुरुषों के लिए आयु मैक्सिमम 33 है, मिनिमम 18 सबके लिए है, उसके अलावा सबके जो भी बचे हैं उनके लिए 38 है। और ये नोट है, अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं शारीरिक प्रवीणता टेस्ट यानी फिजिकल राउंड में क्या होगा। आपको उसके लिए 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 50 सेकंड में करनी होगी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए वही 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में करनी होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये टाइम 3 मिनट 15 सेकंड होगा। और एक होगा गोला फेंक, गोला फेंक 20 फीट फेंकना है, गोले का वजन होगा 7.260 किलोग्राम यानी 7.5 किलो के लिए, ये होगा गोले की लंबाई होगी 16 फीट, वजन होगा 4 किलो का। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फीट फेंकना है, गोले का वजन वही होगा 7.5 किलो। यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। और दूसरा शारीरिक प्रवीणता टेस्ट क्वालिफाइंग स्वरूप की होगी, इसमें कोई पूर्णांक प्राप्त नहीं है, परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर अवगत करा दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसका जो फिजिकल राउंड हुआ इसमें अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो उसका कोई नंबर नहीं है, लेकिन आप केवल आपको उसमें क्वालिफाई हैं या नहीं है वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा मौके पर ही। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की, पाठ्यक्रम में 5 भागों में होगा ये परीक्षा का, और इसमें पहला भाग होगा सामान्य ज्ञान, दूसरा होगा सामान्य हिंदी, तीसरा है सामान्य अंग्रेजी, चौथा है सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, इसमें सारी 5 सब्जेक्ट हैं, और जो इनमें से टोटल मिला के 100 अंक का होगा, यानी कि आप 20 का एक एक सब्जेक्ट का 20 अंक लगा लीजिए और 100 क्वेश्चन होंगे, तो आपको सभी बुक पढ़ना पड़ेंगे। और ये इसका सिलेबस कहाँ से पढ़ना है आपको, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा यानी कक्षा 10वीं के स्तर का पाठ्यक्रम होगा इसका। तो आपको 10वीं के स्तर के 8 से 10 तक की परीक्षा, सॉरी 10 तक, 8 कक्षा 8 से कक्षा 10 तक की सभी बुक्स उठा के पढ़ लीजिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी।
अब देख लेते हैं 25 शहर, 25 शहर जो है टोटल 16 है, 16 है। इसमें से आप सबसे पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये शहर है आपका। जो भी शहर नियरेस्ट हो उसको आप सिलेक्ट करें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप जल्दी से अप्लाई करें, 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और इसकी 10 तारीख लास्ट है, 10 अगस्त। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आगे भी और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में बताते रहते हैं और हम जो है तैयारी भी करा रहे हैं। आप आगे के वीडियो देखिए, इसमें हम अभी एक पोस्ट पुलिस कॉन्स्टेबल के एग्जाम का भी वीडियो डाल रहे हैं जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर 2017 का सॉल्व करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।